point like object of mass 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of our rigid massless rod of length 10 centimeter. तो यहाँ पर ये जो रॉड हमारे पास दी गई है इसकी लेंथ हमको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सीलिंग यूजिंग अ थिन वायर अटैच्ड टू इट्स सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो 30 ग्राम और 20 ग्राम का क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। द रिजल्टिंग टॉर्शनल पेंडुलम अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशन, द टॉर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ द वायर इज दिस। तो टॉर्शनल कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना दिया है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स। द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इतना है, यानी हमको इन शॉर्ट एन का वैल्यू निकालना है। अब एन का वैल्यू निकालने का मतलब है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्मॉल ऑसिलेशन दे देते हैं। अगर इसको स्मॉल ऑसिलेशन दे देंगे तो इस सिस्टम का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1r1² + m2r2². अब बस हमको सेंटर ऑफ मास से ये r1 डिस्टेंस मान लेते हैं और ये r2 डिस्टेंस मान लेते हैं। तो r1 r2 का वैल्यू निकालना है। तो r1 का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, r1 को लिख सकते हैं m2r/m1+m2। तो m2 का वैल्यू हो गया हमारे पास 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज किया तो इतना आया, और r का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा, और अपॉन m1+m2 है तो 30+20 यानी ये हो जाएगा हमारा 50 ग्राम, और ग्राम को हम लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो ये आ गया, ये 10^-3 तो कैंसिल हो गए। अब इसके बाद बचा क्या है हमारे पास, देख सकते हैं कि 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 20 कैंसिल हो गया 4 बार, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आया है r1 का वैल्यू आया है 4 × 10^-2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि r1 की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब जब r1 हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया तो r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा वैल्यू ये था 10, r1 हो गया है 4, तो r2 कितना हो जाएगा 10-4 यानी 6 सेंटीमीटर। अब r1 r2 दोनों आ चुके हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस इक्वेशन से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास m1r1² m1 को मान लेते हैं 30 × 10^-3 और r1 कितना है, देखिए भाई 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये स्क्वायर करा, प्लस r2 m2 का वैल्यू कितना है 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया इनटू r2 का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है ये चीज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 × 10^-3 इनटू 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 और 10^-4 प्लस 20 × 10^-3 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया ये 36 और 10^-4। तो 16 × 30 है 0 और 16 × 3 = 48 और 10^ हो गया -7 प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 720 और 10^-7 इधर भी हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा कितना 1200 और इंटू 10^-7 ये हमारा आ गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस को मीटर में चेंज किया था। तो ये तो आ गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना था, फाइंड हमको यहाँ पर करना था इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, जो टॉर्क होता है उसको क्या लिख सकते हैं माइनस का के थीटा, टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का के थीटा, जिसमें के आपको पता है टॉर्शन कांस्टेंट है। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, और अल्फा को लिख सकते हैं d2θ/dt2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के थीटा। तो d2θ/dt2 + k/i(θ) इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर ये जो k/i है ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा k/i, यानी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा हमारा √k/i। अच्छा, के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, के का वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। के का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन था, एक सेकंड का टाइम दीजिए, कहां गया सॉल्यूशन। तो के का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन था 1.2
और 10 एस टू पावर कितना था, 1.2 इंटू 10 एस टू पावर माइनस 8। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 1200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो पॉइंट से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, माइनस 7 पावर है वो ऊपर जाएगी तो ऊपर बचेगा माइनस 1, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 12 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10,000 का अंडर रूट, 1/10,000 का अंडर रूट। अब ये तो वैल्यू आ रही है हमारी मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली आंसर हमारा आएगा 10 सेंटीमीटर। भाई तो जो हमारा यहाँ पर दिया गया था n इंटू 10^-3 रेडियन पर सेकेंड, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है,